नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमारा मन तीखा और चटपटा खाने का करता है, तो चलिए आज हम बना लेते हैं चाय के साथ झटपट तैयार होने वाला नाश्ता कटलेट्स। कटलेट्स को हम तीखी मीठी चटनी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसे ब्रेड के बीच में रखकर इसका सैंडविच भी बनाकर हम खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं कटलेट्स। इसके लिए हमने बॉयल कर लिया है 7 से 8 आलू। आलू हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। हमें आलू को अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें एक भी गुठलियां न रहने पाए। देख सकते हैं इस तरह से। कटलेट बनाने के लिए ले लेते हैं हम 2 प्याज, 2 गाजर और हरा धनिया। हमें प्याज और धनिया को बारीक कट कर लेना है और गाजर को ग्रेट कर लेना है। अब हम कढ़ाही में डाल लेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा प्याज। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हरा मटर। हमें गैस को लो फ्लेम पर कर लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट। इसे हम मिक्स करके गैस को मीडियम फ्लेम पर करके मटर पकने के लिए प्लेट से ढक देंगे। अब हम प्लेट को खोल लेते हैं। देख सकते हैं मटर पक गया है। अब हम एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून चाट मसाला, 1 छोटा स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 स्पून गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे मैश किया हुआ आलू। और इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। हमें इसे एकदम अच्छे से ठंडा होने देना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं कटलेट को क्रिस्पी बनाने के लिए मैदा का बैटर। कटलेट की कोटिंग करने के लिए हमने ले लिया है 3 स्पून मैदा और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाते रहेंगे। याद रहे कि इसमें लम्स न पड़ने पाए। हमें इसका मीडियम बैटर बना लेना है। हमें इसे बहुत पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ठीक रखना है। देख सकते हैं हमने इसका मीडियम बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ ले लिया है ब्रेड क्रम्स, हमने घर पर तैयार किया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसमें हम मिला लेते हैं 2 से 3 स्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मिलाकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें दोनों हाथों में तेल लगाकर बना लेना है कटलेट्स। हमें साइड से इसे सेट कर देना है। हमने इसे 2 अलग शेप में बनाया है। आप चाहे इसे जैसे भी बना सकते हैं। देख सकते हैं हमने कटलेट को
इस तरह अलग अलग शेप में बनाकर रख लिया है। हमने गैस को मीडियम फ्लेम पर करके तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार हम अच्छे से मैदे को मिला लेंगे। सबसे पहले हम कटलेट की कोटिंग करने के लिए उसे डिप करेंगे मैदे के बैटर में। अब हमें इसके चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है ब्रेड क्रम्स। इसी तरह हमें एक एक करके सभी कटलेट्स को कर लेना है। तेल गर्म हो गया है, हम एक एक करके कटलेट्स को तेल में डाल देंगे। एक साइड हल्का गोल्डन होने के बाद हम दूसरी साइड पलट देंगे। देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें और सभी कटलेट्स को बना लेना है। अब हम बना लेते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए हम ले लेंगे हरा धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन, टमाटर, अदरक, थोड़ा सा काला नमक। अगर आप काला नमक नहीं पसंद करते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक और दो पिंच हींग, और डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा और 2 से 3 स्पून पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह चटनी बनाने से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए चटनी तैयार हो गई है। अब हम सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी हमारा कटलेट बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार अपने नाश्ते में हमारे तरीके से कटलेट ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।